सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी, आधार कोण ए तथा दो भुजाओं का योग ए डी रेखा के समान दिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए बी रेखा दी हुई है, ए बी रेखा ले लेंगे, ये भी, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और आपके पास एक दिया हुआ है कोण ए। ये आप देख सकते हैं ये आपका एक कोण दिया हुआ है, एक आपके पास दे रखी है इसकी भुजा का योग, योग मीन्स जोड़, ये दे रखा है ए डी रेखा के समान। ये तीन चीजें हमें दी थी, तो हमने जो है वो एक त्रिभुज पूरी करनी है। सबसे पहले हमने इतनी प्रकार खोलनी, जितना आपका कोण है ए पॉइंट पर रखो और इसको चाप लगा दो इस तरह से। अब जितना हमारे पास ये ए कोण बड़ा है, ये इतना बड़ा है, इतनी प्रकार खोल के आप इस कोण को ऐसे काट दो और ए के साथ मिलाकर आगे बढ़ा दो। अभी मैं इसको हल्के से ही मिलाऊंगा, इस तरह से हम लाइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए डी रेखा जितनी प्रकार खोलेंगे और इसको ए से काट देंगे, ए से हमने काट दिया है, जहां पे पॉइंट ये आ रहा है इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे डी। हमने क्या करना है, डी और बी को मिला देना है डॉटेड, इस तरह से मिला देंगे और हमने डी बी जो रेखा है इसका हमने समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन आपको पता ही है कैसे होता है, इस तरह से हम इसका समद्विभाजन कर देंगे और जहां पे दोनों चापे आपस में कट रही है इन चापों को हम मिला देंगे, डॉटेड मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैं इनको डॉटेड मिला देता हूं, ये आप देख सकते हैं जहां पे आपकी दोनों चापे मर्टी मिल रही है वहां पे आप थोड़ा सा डार्क निशान भी लगा सकते हैं ताकि कंफर्म रहे कि हाँ हमने ये सही जगह पे मिलाया है। जहां पे ये इस रेखा को काट रहा है ए डी रेखा को, यहां पे ये पॉइंट आपका आ गया सी। अब आपने क्या करना है, बी और सी रेखा को मिला देना है इस तरह से, और ये जो आपकी रेखा है ए सी इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपकी जो प्रश्न नंबर 15 है ये आपकी त्रिभुज बनके तैयार हो। अगला आपका है प्रश्न नंबर 16। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई ए रेखा के समान और आधार कोण x और y दिए हैं। सबसे पहले हमारे को दी, हमने त्रिभुज बनानी है उसकी हमारे को दे रखी है ऊंचाई, जो चीज पहले दी है वो हमने पहले ले रही है, हमें ऊंचाई दी हुई है, ये ऊंचाई है a के समान, ये हम ऊंचाई ले लेते हैं ये रेखा के समान। दो हमें कोण दे रखे हैं x y, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो एंगल ले लेते हैं, ये हम एंगल ले लेते हैं दो x y, ये हमने दो एंगल ले लिए एक्स वाई,
तरह से हम इसमें चप्पे लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, एक रेखा लेनी है, तो हम एक रेखा लेंगे, इस तरह से हम एक रेखा ले लेंगे और इस रेखा का हम अभी कोई नाम नहीं देंगे। हमने इस रेखा के बीच में पॉइंट लेना है पी, और हम पी पॉइंट पर प्रकार खोल के 90 डिग्री का कोण बना देंगे, मतलब कि यहां से लंब उठा देंगे। ये आप देख सकते हैं, और इस तरह से ये जो हमारी रेखा है ये हमारी हाइट है, और हम इसको कितना काटेंगे और किस हिसाब से काटेंगे ये हमें आपको बताता हूँ। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम नाम देते हैं एस और यहाँ पे बी, ये फिक्स नहीं है, फिलहाल हमने दिए है। अब हमने क्या करना है, जितने आपके पास ए हाइट दी हुई है, ये हाइट दी हुई है ए, आपने एस पर प्रकार करके चाप लगा दो, यहाँ पे एक चाप अपने बी पॉइंट पर प्रकार करके लगानी है। इन चापों के हम नाम दे देते हैं डी और ई। आपने क्या करना है, ऊपर से इन दोनों चापों को मिला देना है, ये और ये डॉटेड ही मिलेगी यहाँ पे, इस तरह से हमने मिला दिए। अब जहां पे इस रेखा पे कट रहा है ये पॉइंट आपका आ गया सी। अब हमने क्या करना है, सी पॉइंट पर एक्स वाई जो कोण है वो बनाने हैं। ये कोण एक्स है, ये आपका कोण है वाई। सबसे पहले हमने इतनी प्रकार खोलनी है जितनी आपने यहाँ खोल रखी है, ये जैसे इतनी मैंने प्रकार खोली है, और यहाँ से मुझे चाप लगानी है इस तरह से, इतनी प्रकार खोल के मैं चाप अपोजिट साइड से भी लगा दूंगा, यहां से भी लगा दूंगा। अब हमने क्या करना है, जितना आपका एक्स कोण है ये आप देख सकते हैं, ये एक्स कोण है, इतनी प्रकार खोल के आपने यहां से काट देना है, हमने काट दिया। अब हमने वाई देखना है, वाई भी इतना ही है, थोड़ा सा बड़ा है वाई, थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये मैं इसको यहां से काटता हूं और मुझे इनको मिलाना है। ये मैं इनको मिला रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी आगे जा रहा है, और ये भी इसी तरह से मैं इसको मिला देता हूँ। आपका कोण जितना छोटा होगा आपकी त्रिभुज उतनी बड़ी बनेगी, आपका कोण जितना बड़ा होगा आपकी त्रिभुज उतनी छोटी बनेगी, ये आप देखिए। अब मुझे इस रेखा को बढ़ाना है, ये जो आपकी रेखा है मैंने इसमें फिक्स पॉइंट नहीं दिए थे, तभी नहीं दिए थे, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इस रेखा को लंबा कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, ये लाइन फिक्स हमारी नहीं थी, ये आप देख सकते हैं इधर को, और इसी तरह से मैं इसको इधर को भी बढ़ा दूंगा, ये आप देख सकते हैं। और इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, ये आप देखिए, अब ये जो रेखा आ गई है ये हमारा पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, ये आपका आ गया सी। इस तरह से ये आपका कोण आ गया एक्स, ये कोण आपका आ गया वाई। इस तरह से ये हमारी जो त्रिभुज है वो बनके तैयार हो गई।